आपने एक कंपनी सुनी वॉक्सवैगन? वॉक्सवैगन, अच्छा 2008 की हमने बात करी थी। अच्छा 2008 में क्या था? लेमन ब्रदर क्राइसिस। तो लेमन ब्रदर क्राइसिस के टाइम पे हमने बात करी थी कि पूरा मार्केट गिर रहा था, सब जगह लहू लुहान हो गया था। उस समय पे किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया होता कि बेच के निकल जाओ। तो इस व्यक्ति ने वॉक्सवैगन को देखा, बोला यार इससे बढ़िया और क्या होगा, इसको बेचता हूं, वैसे भी कहां बचने वाली है, पूरी दुनिया खत्म ही हो रही है, यूएस मार्केट खत्म हो रहा है, इसको भी बेचते रहते हैं। तो उन्होंने बेचना शुरू किया। इनको पता ही नहीं था कि वॉक्सवैगन अपने इतिहास की सबसे बड़ी डील उसी टाइम पे करने वाली है, और वॉक्सवैगन ने करा उस टाइम पे इतिहास की सबसे बड़ी डील। अभी बेच के निकल गया, ये बेचे जा रहे बेचे जा रहे बेचे जा रहे, शॉर्ट सेलर बन गए हैं। खरीदना तो पड़ेगा, इनके बेचने के बाद वो 5 गुना बढ़ गई, लॉस हो गया, लॉस क्या खत्म हो गई कंपनी। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों का कमबैक होता है ना, कुछ का नहीं हो पाता है, कुछ का होता है, किसका नहीं हो पाता वो लोग कमेंट्स में बता देंगे। तो इस बंदे ने कमबैक करा, आप बिलीव नहीं करोगे क्या सॉलिड कमबैक किया। 2012 के बाद से 7 साल में 1400 करोड़ से इन्होंने बनाए 1,40,000 करोड़ ट्रेडिंग से।